किसने ते क्यों मरवाया अमर सिंह चमकीला ते उसकी पत्नी अमरजोत कौर नू। शो दौरान चलाईया गईया सी गोलियां ते कीता गया सी कतल। उस दौर विच चमकीले ने अपनी गायकी नाल छड़े सी सारे सिंगर पिछे। देश विच जहे गायक ने जिना दे गीता नू लोकां दे वल्लों काफी ज्यादा पसंद कीता जांदा है, जिना दे विचों एक अमर सिंह चमकीला भी सी। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा गीतों नू पसंद किया गया सी इन्हां दे लोकां दे वल्लों ते। लेकिन इत्थे वड्डे सवाल खड़े हुंदे ने कि आखिर एक मशहूर गायक नू क्यों मारिया गया, आखिर क्यों ते किस दे वल्लों इन्हां दा कतल कर दिता गया। पत्नी दे नाल जिहड़ा है शो दे विच इन्हां दे उपर गोलियां चला दित्तियां गईयां सी ते मौके ते ही मौत हुई सी। हाले तक इस मामले दे विच चमकीला ते उसदी पत्नी नू कोई इंसाफ नहीं मिलिया। काफ़ी ज़्यादा अपने वल्लों अनुमान लगाए जा रहे ने किना कारणा करके इन्हां दी मौत हुई, किना कारणा करके इन्हां दे उपर हमला होया। अज इस पूरे मामले दे विच जानकारी तुहाडे नाल सांझी करांगे ते दस्सांगे आखिर इस कतल दे पिछे की सच्चाई है ते आखिर क्यों नहीं मिलिया चमकीले नू इंसाफ। अमर सिंह देश दे नाल नाल विदेशां विच भी अपनी गायकी ते स्टेज पेशकारी लई जाणिया जांदा सी। क्या जानता सी कि एक जनून अते सच्चाई नाल भरपूर गीत उना दे वास्ते मुसीबत बन गए। जी हाँ, उना दी अपनी सच्चाई ते एक जनून सी उना दे विच जो कि उना दे वास्ते ही एक मुसीबत बन गई। इस दे लई अज तक अमर सिंह चमकीला दी मौत एक पहेली बन के खड़ी हुई है। अमर सिंह चमकीला दा जन्म 21 जुलाई 1960 नू पिंड डुगरी लुधियाणा विखे होया सी। अमर सिंह चमकीला दा असली नाम तनी राम सी। जदों अमर थोड़ा वड्डा होया तो उसने वेख्या कि परिवार की आर्थिक हालत काफ़ी ज़्यादा खराब है। इस तो बाद उन्होंने वलों कपड़ा मिल दे विच काम करना शुरू कर दिता गया। उन्होंने बचपन तो ही संगीत का शौक सी ते इस दे लई काम दे विचकार हारमोनीयम सीखे उन्होंने वलों गया ते एक टैक्सटाइल मिल दे विच भी उन्होंने काम किया ते नाल नाल गीत लिखने भी शुरू किए। अमर सिंह चमकीला खुद तुंबी की मदद के नाल गीत लिखते सन ते धुना की भी वरतों करते। कुछ दिन बाद पंजाबी गायक सुरिंदर शिंदा के नाल वो संपर्क विच आ गए ते जिस तो बाद उन्होंने वलों गीत लिखने शुरू किए गए। 18 साल की उम्र के अमर सिंह के गीतों लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। फिर अमर सिंह ने आप भी काफ़ी मेहनत तो बाद गीत गाया ते पंजाब दीयां समस्यावां भी गीतों के बोलों में दसियां। 80 दे दहाके तक उन्हां तों कुछ दोस्त मिल गए जिन्हां नाल अमर सिंह ने स्टेज शो करने शुरू कर दिते। कुछ सालों के संघर्ष तो बाद जब अमर सिंह ने गीतों विच पंजाब दी सच्चाई दिखाई तो लोग कई उन्हां दे नाल जुड़ भी गए, लेकिन कई लोग उन्हां तों नाराज़ भी होए। असल विच अमर सिंह अपने गीतों विच पंजाब विच वध रहा नशा, हिंसा, घरेलू हिंसा वर्गे मुद्दे चकता सी। कुछ ही समय विच अमर सिंह ने गुरदास मान, सुरिंदर शिंदा ते कुलदीप मणक वर्गे गायकों नू भी पिछे छड्ड दिता सी। 1980 दे विच अमर सिंह एक स्टेज शो विच अमरजोत कौर दे नाल मिल गया, जिस नाल उन्होंने ना सिर्फ गीत गाए सगो हासा मजाक ते व्यंग भी किते ते जिस तो बाद अमरजोत चमकीला दी पत्नी बन गई। कहा जाता है कि इन्हां कोल कुछ सालों के ही काफ़ी ज़्यादा दोनों ने रल मिलकर कई थावां ते शो किए ते चंगे गीतों की बदौलत अमर सिंह पंजाब का एक चमकदा सितारा बन गया सी। फिर इत्थे अमर सिंह चमकीला दे नाम नाल जाणिया गया। चमकीला जिहड़ा नाम उन्हां दा काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गया ते दूजे पासे पंजाब विच खाड़कूवाद का दौर सी। इंदिरा गांधी दे साका नीला तारा तो बाद पुलिस ने सख्ती भी की सी। हालांकि इस दौरान अमर सिंह ने कई स्टेज शोज़ भी किए जिथे भारी भीड़ भी इकट्ठी हुई। उन्हें दिन ही अमर सिंह चमकीला प्रसिद्ध गायक, गीतकार, संगीतकार होने तो इलावा सब कुछ सी। इस दे नाल ही चमकीला अते अमरजोत की जोड़ी जिहड़ी है उन्हां वल्लों काफ़ी ज़्यादा लोगों के वल्लों पसंद की जा रही सी। उन्हां वल्लों गीत लिखे गए, गाए गीत जिहड़े गाए भी गए ते काफ़ी ज़्यादा पंजाब दीयां वड्डियां समस्यावां नूं उन्हां दे वल्लों गीतां राहीं लोगों अगे पेश भी किया गया। कई बार अमर सिंह चमकीला दे गीत विवादां च घिरे ने ते मन्निया जांदा है कि गीत उन्हां दी मौत दा कारण भी बने।
चमकीला नू कई बार कट्टरपंथी संगठना वालों धमकियां भी आईया सी। चमकीला ने गायकी की दुनिया च 9 साल बिताए ते 8 मार्च 1988 नू जदों अपनी पत्नी अमरजोत कौर ते दोस्तां नाल जलंधर दे विच इक प्रोग्राम वास्ते पुजदे ने तां कुछ नौजवानां दे वल्लों उनां दे उपर गोलियां चला दित्तियां जांदियां ने। मौके ते हत्या हुंदी है ते खुद नौजवान फरार हुंदे ने। ये कहानी है चमकीले दी कि किस तरीके दे नाल उना दी हत्या कीती गई ते किस तरीके नाल उना दे कहा जांदा है कि उना दे गीत ही उना दा मौत दा कारण बन गए। हालांकि इंसाफ हाले तक नहीं मिलिया, मौत दा कारण पूरे तरीके नाल स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन अजिहे अनुमान जेड़े हर कोई चमकीले दी मौत दे पिछे खुद लगा रहा है। कुछ लोगों वालों कहा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जेड़ा है उना दा कारण जेड़ा कोई प्रेम विवाह भी दस्या गया सी। हालांकि आज तक इस कतलेआम का एक भी दोषी फड़िया नहीं गया ते ये घटना जिहड़ी है कतल दे भेद दे विच बदल गई है। सो इसी साड़ी अज दी एक अजिही पेशकश जिस दे विच पूरे तरीके दे नाल चमकीले दी जिंदगी दा बयान कीता गया, किस तरीके नाल गीतां च शुरुआत होई, किस तरीके दे नाल व्याह होया ते जिस तो बाद गीतां दे नाल ही जिहड़ा उहनां दा चलदे हुए एक शो दे विच उहनां दा कतल कर दिता गया। आखिर दे विच वड्डा सवाल बचदा है कि आखिर क्यों ते किस दे वल्लों एक कतल कीता गया। हाले तक ये वड्डा सवाल जिहड़ा एक पहेली बन के खड़ा होया है जो कि पता नहीं कदों सुलझेगा ते कदों एक कतल दे विच चमकीले ते उसकी पत्नी नू इंसाफ मिलेगा। जे तुसी भी चाहुंदे हो आस्ट्रेलिया जां न्यूजीलैंड दे विच ब्याह तां इको इक राह एनआरआई मैरिज ब्यूरो। एनआरआई मैरिज ब्यूरो, फाइंड योर परफेक्ट ह्यूमन।